हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ हमारे जो मेकअप ब्रश हैं जो टूट जाते हैं उनको हम घर पे किस तरह से फिक्स कर सकते हैं विदाउट ग्लू। तो ये मेरा मेकअप ब्रश टूट चुका था, इसको मैं आप लोगों को यूज़ करके दिखा रही हूँ कि ये कितना अच्छा यूज़ हो रहा है। ये टूटा हुआ ब्रश था जो कि मैंने फ़िक्स किया है और ये देखेंगे कितना अच्छा ये काम कर रहा है, बिल्कुल भी अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा। ठीक है, तो आप लोगों के जितने भी मेकअप ब्रश अफोर्डेबल हों या फिर चीप हों या फिर आप लोगों के एक्सपेंसिव हों, वो टूटते ज़रूर हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम न्यू बाय करने से अच्छा है कि हम उनको ही फिक्स कर लें घर पे। तो ये बहुत ही इजीली घर पे जो है ना फिक्स हो जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको फिक्स किया। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये वही मेकअप ब्रश है जिसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों को दिखाई है। ठीक है, ये देखें, ये टूटा हुआ था, इसको मैंने फ़िक्स किया है। तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस चीज़ के साथ फ़िक्स किया। तो ये देखें, ये मेरे पास ग्लू की जगह जो मैंने यूज़ किया ना, वो मैंने किया है नेल पेंट का बेस कोट। मैंने बेस कोट यूज़ किया है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए मैंने यूज़ किया। लेकिन ये नेल पेंट का ही काम करता है, इसलिए आप कोई सी भी नेल पेंट ले सकते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि अब हम ये नेल का बेस कोट बाय करने जाएँ और फिर हम इसको यूज़ करें। नहीं, आप लोगों ने जो भी आप लोगों के पास नेल पेंट पड़ी है ना, वो आपने यूज़ कर लेनी है। मैंने ये इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए ये जो है ना ग्लू लाइक काम करता है। ठीक है, इसको हमने भर भर के हमने इसके ऊपर लगा देना है, जहाँ पे उन्होंने ग्लू अप्लाई की होती ना वहाँ पे हमने इसको भर भर के लगाना है, ताकि ये जो है ना हमारा मेकअप ब्रश है ना वो टूटे ना दोबारा। मैंने जितने भी मेकअप ब्रश थे ना वो इसी तरह से फिक्स किए हैं, वो मेरे बिल्कुल भी नहीं अब टूटते, वो हिलते भी नहीं है अपनी जगह से। जहाँ पे मैंने उनको फ़िक्स किया ना मेकअप ब्रशेस को, वो वहाँ के वहीं ठहर गए हैं। बहुत अच्छे वो यूज़ भी हो रहे हैं, मैं काफ़ी टाइम से उनको यूज़ कर रही हूँ और वो बहुत अच्छे यूज़ हो रहे हैं। तो आप लोगों ने इस तरह से भर भर के इसको जो है ना इसमें अप्लाई कर देनी है नेल पेंट, और इसको आपने फ़िक्स करके एक साइड पर रख देना है। मुझे इस हैक ने बहुत अच्छा बेनिफिट दिया, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी ये हैक ज़रूर बताऊँ, ताकि आप लोगों को भी ये सारे बेनिफिट ले सकें जो मैं ले रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको फिक्स करके थोड़ा सा दबाना है, ताकि जो है ना ये फिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। दबा के आपने जो नेल पेंट हमारी बाहर निकल आई ना, उसको आपने वाइप कर लेना है बाद में। ठीक है, तो ये देखिए, इसको मैंने दबाया है, अब इसको मैं एक साइड पर रख दूँगी और अपने नेल पेंट को हम बंद कर लेंगे, ताकि ये हमारी ड्राई ना हो। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से बंद करूँगी, ताकि ये हमारी नेल पेंट है ना वो ड्राई ना हो। हम जब अपनी नेल पेंट को अच्छे से बंद ही ना करते तो वो ड्राई हो जाती है। तो चलिए, अब मैं इसको जो है ना वाइप करूँगी, जो हमारी नेल पेंट बाहर निकल आई थी ना, इसको हम अच्छे तरीके से वाइप कर लेंगे और इसको हम एक साइड पर रख देंगे। ठीक है, इसको ड्राई होने के लिए ये 5 मिनट में भी नहीं लगते और ये ड्राई हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने इसको वाइप कर लिया है ब्रश को, और इसको हम रख देंगे एक साइड पर ड्राई होने के लिए। मैंने इसको 5 मिनट के लिए रखा था ड्राई होने के लिए, ताकि नेल पेंट हमारी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। और ये देखें, ये हमारी नेल पेंट ड्राई हो चुकी है। 5 मिनट बाद मैंने इसको देखा तो ये देखें, ये बिल्कुल भी हिल भी नहीं रहा था और बहुत अच्छे तरीके से ये हमारा जो मेकअप ब्रश है ना वो फिक्स हो चुका था। ये देखें, जैसे मर्जी आप यूज़ करें इसको, अब ये आपका मेकअप ब्रश कभी भी नहीं टूटेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ऐसी और भी नए नए हैक ट्राई करती रहा करूँगी और शेयर करती रहा करूँगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को यह हैक कैसा लगा। और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इस तरह से नई नई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहा करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।